झमाझम बारिश से खुले में भीगा धान। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के विधायक एवं शुगरफेड चेयरमैन रामकरण काला को भी अनाज मंडी का करना पड़ा दौरा। आज भी देश के कई घरों में खाने को अनाज की उपलब्धता ना होने का रोना रोया जाता है। इसी दौर में सरकारी महकमा अनाजों को भिगाकर सड़ाकर गरीबी को और बढ़ाने में आमादा है। बारिश खेत व खलिहान में पड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रही है। शहाबाद अनाज मंडी में प्रशासन के दावे किस तरह से खोखले साबित हो रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। जिला प्रशासन के दावे किसानों से किए गए धान को भी नहीं बचा सका। कुरुक्षेत्र जिला को धान का कटोरा कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा धान पैदा होती है और किसानों के अरमान पर किस तरह से पानी फिर गया। शहाबाद अनाज मंडी में खुले में पड़ा धान बारिश में भीग गया है। बारिश में धान भीग गया। बारिश के बावजूद धान को भीगने से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। झमाझम बारिश से भी धान खुले आसमान के नीचे पड़ा रहा। जीरी लिया था जी मैं, और एक डेढ़ एकड़ की जीरी बह गई जी आपके सामने है जी, और दो तीन घंटे पहले बरसात हुई थी, अब तक पानी की ज्यों के त्यों खड़ा जी। मार्केट कमेटी वाले अपने घर आराम से पड़ के सो रहे हैं जी। किसान यहाँ सारे का सारे तंग हो रहे जी, कोई आगन देख रहे जी। पानी की निकासी बिल्कुल रुक रही है जी, वहीं को वहीं खड़े पानी, लेकिन कोई भी कर्मचारी अब तक देखने के लिए नहीं आया जी। बिल्कुल झूठे हैं जी, इनके अंदर तो सच्चाई ही नहीं है। प्रशासन की हो चाहे अधिकारी हो जी, कोई पानी देख लो आप कितना खड़े अब तक जी, उतनी उतनी पानी अपनी जगह खड़े है जी, और इतना नुकसान हो गया जी, बताओ इसकी भरपाई कौन करेगा जी। यदि धान की सरकारी खरीद आती तो आज इन किसानों का जो इतना नुकसान हो जी वो बिल्कुल नहीं होता जी। सरकार किसानों के साथ बहुत बद्दा मजाक कर रही है, और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है जी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।